Hi guys, welcome to Veena Creation. I am explaining you chapter 2, unit 1 of class 4. Only the word meaning and chapter will be dictated because chapter is so lengthy. Guys, if you are new to my channel, then subscribe my channel and press the bell button also so that you can get more new videos. Chapter is Neha Alarm Clock, class 4, unit 1 and chapter 2. First we will do the word meaning. First word is snuggles, aram se letna. Second word is mutters, bad badana. Third word is window sill, dehli. Fourth word is relax, aram karna. Fifth word is snores, kharrata. Then sixth word is escape, chutkara. Seventh word is imagine, imagine means sochna. Eighth word is hungry, hungry means bhookha. Ninth word is guess, guess, anuman. Tenth word is sleep, sona. 11th word is warm, warm means garam. Let's start chapter Neha Alarm Clock. Narrator, ring, 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 off goes the alarm clock at 6 in the morning. कहता है कि आवाज आती है, ring, ring, ring. और अलार्म क्लॉक 6 o'clock बंद हो जाती है मॉर्निंग में. अब नरेटर कह रहा है, नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो, स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. नेहा क्या करती है, मुंह बनाती है, उसका उठने का मन नहीं होता और जो फेस होता है उसको पिलो से ढक लेती है और खराटे भरते हुए वो अपने वार्म ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है. But she knows she has to get up. She mutters to herself. मगर उसको पता होता है कि उसको उठना है और वो धीरे से बड़बड़ाती है. नेहा, this alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. क्या नेहा क्या कहती है, यह alarm clock हमेशा क्या हो जाती है, 6 o'clock बज जाती है और मुझे बिस्तर से क्या कर देती है, खींचती है. ये ठीक नहीं है, इट्स सो अनफेयर. नेहा का मतलब क्या है कि वो अलार्म क्लॉक बजती है और उसको 6 o'clock उठना पड़ता है, ये सो अनफेयर है. ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम. ओ मैं कैसे थोड़ी देर और सो सकूँ, कब, सुबह. मैं विश करती हूँ कि क्लॉक जो है वो अपनी जॉब करना कभी भूल जाए. नेहा कुछ देर क्या करना चाहती है, और सोना चाहती है, इसीलिए ये सब वो बोल रही है. नरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स. नरेटर कहता है कि कुछ गिरा और नेहा मुस्कुराई. नेहा, ओह माय क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट. नेहा कहती है, ओ मेरी क्लॉक क्या है, गिर गई, कितनी खुश हूँ मैं, कल मैं देर से उठ सकूँगी. नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. द स्मॉल क्रिस्पी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग. नरेटर कहता है, अगली मॉर्निंग में कोई अलार्म नहीं बजा, इसलिए नेहा सोती रही सोती रही. एक छोटी चिड़िया ने चहचहाया, ची ची करती है ना चिड़िया, जब वह खिड़की पर आती है तो वो हर मॉर्निंग में देखती है नेहा उठ जाती है, लेकिन आज वो अब तक क्या कर रही है, सो रही है. बर्ड्स वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. चिड़िया, जागो डियर, उठ जाओ जल्दी. नरेटर कहते हैं, अब नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, क्या करती है, उठती है और नेहा कहती है, ओह नो, If it's not the alarm clock, it's these birds. Why do not they leave me alone? वो कहती है, ओह अगर ये अलार्म क्लॉक नहीं है तो अब ये चिड़िया मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती. नरेटर कहता है, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, ये विश भी नेहा की पूरी हो गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर इज नो बर्ड्स आइदर. अगली सुबह ना तो वहाँ कोई अलार्म क्लॉक थी और ना ही कोई चिड़िया थी. बट देयर इज़ समथिंग एल्स, मगर वहाँ कोई और था.
हु डज नॉट वॉन्ट टू मिस द स्कूल बस, जो कि उसकी स्कूल बस को मिस नहीं कराना चाहता था. कैन यू गैस हु इज इट, क्या तुम गैस कर सकते हो कि वो कौन था? द बिग ब्राइट सन, कौन था? एक चमकता बड़ा सूरज. ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, उसने क्या करा? नेहा के रूम को अपनी ब्राइटनेस से, गर्माहट से भर दिया. नेहा, ओह माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कैन नॉट ही लेट मी बी. ओह मेरी आँखें, अब यह सूरज मुझे उठा रहा है, क्यों ये नहीं चला जाता? अब नेहा को सूरज से भी क्या हो रही है, परेशानी हो रही है कि वो उसको उठा रहा है. नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, अब नरेटर क्या कह रहा है, ये विश भी नेहा की पूरी हो गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स, अगली सुबह सूरज बादलों में छुप गया. सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर वॉइस, अगली सुबह जो नेहा थी वो खराटे ले रही थी, तभी उसने क्या करा, अपनी मम्मी की आवाज़, मम्मी ने उसकी आवाज़ दी. मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस. मदर, उठ जाओ निद्रालू, अब बस मिस कर दोगी. नेहा, ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप. नेहा अब क्या कह रही है, ओ नो, क्यों मुझे, मम्मी मुझे क्यों उठा रही है? नरेटर कहते हैं, देयर इज नो एस्केप नाउ, अब कोई बचने का तरीका नहीं था. नेहा गेट्स अप एंड गेट रेडी, नेहा उठी और तैयार हो गई. कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, क्या आप सोच सकते हैं कि अगली सुबह क्या हुआ? नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, सी कॉल्स आउट टू हर मदर. नेहा ने क्या करा, नेहा उठती है और घड़ी में 6 बजे होते हैं, वह अपनी मम्मी को बाहर से क्या करती है, बुलाती है. नेहा, माँ, हु वेक मी अप टुडे, अब नेहा मम्मी से पूछ रही है कि माँ मुझे किसने उठाया. नरेटर, मदर स्माइल्स, मम्मी क्या करती है, मुस्कुराती है. मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स. मदर, और कौन, मदर कहती है और कौन, तुम खुद उठी हो. नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, मगर मैं तो सो रही थी, कैसे, मैं कैसे. नेहा कहती है, मदर नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon. मदर ये पूछती है नेहा से, अब ये बताओ कि तुम रोज दोपहर में लंच क्यों करती हो. नेहा, आई फील हंग्री, मुझे भूख लगती है. मदर, वाई वुड यू स्लीप एट 9 every night. मदर, तुम हर दिन रात में 9 बजे क्यों सो जाती हो. नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है. मदर, देयर इज क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप. मदर, यहाँ तुम्हारे अंदर क्या है, एक क्लॉक है जो तुम्हें बताती है कि कब तुम्हें खाना खाना है, कब तुमको सोना है और कब तुमको उठना है. नेहा, ओह ओ, आई बेटर रश नाउ, आई डू नॉट वॉन्ट टू मिस द बस. नेहा कहती है, ओ ओ, मुझे जल्दी करती हूँ, क्यों मेरी बस मिस नहीं करना चाहती. मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे. मदर क्या कहती है, आज क्या है, संडे है, आज छुट्टी है. नेहा, ओह ओ. इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है. नेहा जो थी वो एक लेज़ी गर्ल थी, जो कि अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को करने के लिए लेजीनेस दिखाती थी. द राइटर ऑफ द चैप्टर इज़ गिरिजा रानी अस्थना. आई होप यू इन्जॉयड द चैप्टर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. बैक एक्सरसाइज विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो.